हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल कैन सी मी, यू कैन हियर मी क्लियरली। सब लोग देख पा रहे हैं मुझे जी, सुन पा रहे हैं? कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है? थोड़ी देर के लिए बीच में कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा सा डिले हो गया आपके रूबरू होने में। आई होप अब आप मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे आपका चैट नहीं देख पा रहा हूं। हाँ जी, आप लोग बताइए, अपना मैसेज भेजिए मुझे जल्दी से। हाँ जी, ऑल माई राजा बेटास एंड माई राजा बेटियां, अगर आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजिए, मुझे इंतजार है आपके मैसेजेस का। चलिए बातचीत शुरू करते हैं, और आज तो हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड आई नो आपको एक नए चैप्टर की हमेशा एक्साइटमेंट रहती है, नेचुरल सी बात है। मैं भी देखता हूं जब लेक्चर वन होता है तो बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो साथ में जुड़ते हैं। चलिए, जो अभी तक नहीं भी जुड़े हैं हमारे साथ, उन तक जो है लिंक भेज दीजिए जल्दी से। और मैं नजर डाल रहा हूं कि कौन कौन मेरे राजा बेटा हैं जी मेरे साथ। चंदा, आयान, आयुष, पुनीता, प्रियल, संयोगिनी, रजनी, दामिनी, अंजलि, ज्योति, ग्रेट, होमा, चित्रांशु, गुलनाज, सार्थक, राजेश हुडा। मैं आपके मैसेजेस देख रहा था कि बच्चे काफ़ी देर से जो है वो परेशान हो रहे थे कि सर क्यों नहीं आए। वो यूट्यूब में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन हमने एकदम से सॉल्व कर दिया। और बिकॉज आपसे तो मिलना था ही भाई, आपसे मिला बिना हम कैसे रह सकते हैं, और वो भी आज जब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला हो और वो भी इतना इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, सो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, जल्दी से अपने प्यारे प्यारे लाइक्स, अपनी एनर्जी भेज दीजिए एटीपी की फॉर्म में, और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, मेरे बारे में कुछ बातें लिखी हैं, आप जानते हैं हम एक दूसरे की तारीफ के मोहताज नहीं हैं। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप जरूर एक्सप्लोर कर लीजिए। प्लस पे बहुत सारे एजुकेटर्स की, प्रोफेसर्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, लाइव डाउट सेशंस हैं, मोर पर्सनलाइज अटेंशन है। नाउ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लेक्चर नंबर वन। हम समझेंगे कि मूवमेंट और लोकोमोशन वर्ड में डिफरेंस क्या होता है जी, ये भी जानेंगे, बड़ी बेसिक सी बात है। टेलीग्राम का ये ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है, बिकॉज इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जब ये URL आप टाइप करें तो गड़बड़ मत कर दीजिएगा उसमें वर्डिंग में कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप जो है सही तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे हमारे साथ। ओके, बिल्कुल जी, मैं चैट भी देखूंगा भाई साथ साथ आपके जो आप लिख रहे हैं। नौ, अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप जो है आप अपने सेलफोन पे जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। एंड स्टेप सारे एक्सप्लेन करें हमने, किस प्रकार आपको प्लस पे जाना है, देन स्टेप 4 पे नीट एंड एम्स सब्सक्रिप्शन के लिए, एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन, और फाइनली जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे सो ध्यान रखिएगा कि आपको नीट लाइव कोड यूज जरूर करना है। चलो मेरे राजा बेटा, थोड़ा सा समय हमारा इसी में बीत गया यूट्यूब के टेक्निकल ग्लिच को सॉल्व करने में। हाँ, इधर देखिए मेरे पास क्या है कोटेशन आपके लिए। नो वन सक्सीड्स विदाउट एफर्ट एंड दोज हु सक्सीड perseverance. इसका मतलब क्या है कि आपको efforts तो करते रहना पड़ेगा, और dedication और perseverance उसमें अगर बनी रहेगी कि एक continuity लगातार अगर आप वो चीज करते रहेंगे so definitely आप सफल जरूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। आपकी काम करने के तरीके में एक dedication और regularity होना बहुत जरूरी है, राइट जी। एक एक दिन कम हो रहा है नीट के एग्जाम में, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहिएगा। ओके, तारीख करीब आने वाली है। चलिए जी, शुरू करते हैं राजा बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज मैंने पीछे का बैकग्राउंड भी आपके लिए चेंज किया है, थोड़े से वाइब्रेंट से कलर लेकर के आए हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट डिफरेंस समझते हैं बेटा जी। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मेरा हाथ यहां से हिला तो ये मूवमेंट हुआ है ना। आई एम मूविंग माई हैंड्स, आई एम मूविंग माई हेड लाइक दिस। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट इज मूवमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल बॉडी, जब आप एक जगह से चल के, या कोई भी एनिमल एक जगह से चल के दूसरी जगह तक जाए, सो दैट इज व्हाट इज लोकोमोशन। समझ आ गया डिफरेंस? मूवमेंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट, एंड लोकोमोशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल बॉडी।
क्लियर है जी इतना? राइट जी, 300 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, वंडरफुल, आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू ऑल. वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म. आप लोग जो अपना कीमती समय निकाल करके हम पे विश्वास करके इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, आई एश्योर यू कि आप यहां से कुछ ना कुछ सीख करके ही जाएंगे. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. मूवमेंट्स कितने प्रकार की होती हैं? ऐसी मूवमेंट्स जिनमें मसल्स इन्वॉल्व हैं दे आर कॉल्ड मस्कुलर मूवमेंट्स, और ऐसी मूवमेंट्स जिनमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं हैं दे आर कॉल्ड नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स. तो एक सिंपल तरीके से हमने दो तरह की मूवमेंट्स डिवाइड कर दी यहाँ पे भाई, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हैं वो हुए मस्कुलर मूवमेंट्स, और जिसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं हैं वो हुए नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स. मैं साथ के साथ स्क्रीन पे देखता हूँ कि बच्चे लोग क्या लिख रहे हैं. जी हाँ जी, हुमा खान, अनुराग, सईदा, शेफाली, आयशा, दामिनी, तनुश्री, जेरी, करिश्मा, मोनिका, प्रेरणा, संयोगिनी, सिमरन, संदीप, किशन, ग्रेट, आयशा, वंडरफुल जी. जिन लोगों ने अभी तक नहीं लाइक करा है लाइक जरूर दबाइएगा बटन, उससे हमें एनर्जी मिलती है. सो राजा बेटा मैंने कहा कि मस्कुलर मूवमेंट्स वो होती हैं जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हैं. सो लिख लेते हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स जो है दे इन्वॉल्व मसल्स, एंड जो नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स हैं उनमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं है. नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स कैसी होगी बेटा? जैसे देर आर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स विच मूव दी विद दी हेल्प ऑफ सीलिया, सो दैट्स कॉल्ड सीलियरी मूवमेंट, राइट? देर आर ऑर्गेनिजम्स विच मूव विद दी हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, देर आर ऑर्गेनिजम्स विच मूव विद दी हेल्प ऑफ फ्लैजेला. ह्यूमन बॉडी में स्पर्म इज द ओनली सेल विच हैज फ्लैजेला. सो देर आर सीलियरी मूवमेंट्स, देर आर फ्लैजेलर मूवमेंट्स, देर आर स्यूडोपोडियल मूवमेंट्स, देर इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. पहले हम जिक्र कर रहे हैं यहां पे बेटा जी मस्कुलर मूवमेंट्स का. तो जैसा कि मैंने कहा कि मस्कुलर मूवमेंट्स में मसल्स इन्वॉल्व हैं. आपको पता है जिन लोगों ने एनिमल टिश्यूज के लेक्चर्स डिस्कस करे हैं मेरे साथ, जिन्होंने वो लेक्चर्स अटेंड करे हैं, मसल्स तीन प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? जो हार्ट में होते हैं दे आर कार्डियक मसल्स, जो आपकी हड्डियों के साथ जुड़े हैं बोन्स के साथ दे आर स्केलेटल मसल्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बना रहे हैं दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स. सो पहले देखते हैं कि मसल्स कौन कौन से प्रकार के हैं और उनके फीचर्स क्या हैं. देखिए मेरे राजा बेटा, सो टाइप्स ऑफ मसल्स का जिक्र करने जा रहे हैं हम, ये बात इंपॉर्टेंट है, राइट जी. मस्कुलर टिश्यू जो है मेसोडर्म से बनता है, मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. कौन कौन से तीन प्रकार के मसल्स हैं? कार्डियक मसल्स, कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, देन स्मूथ मसल्स, एंड नंबर थ्री देर आर स्केलेटल मसल्स. कार्डियक मसल्स जो हैं ये स्ट्राइटेड होते हैं या स्ट्राइप्ड होते हैं, और ये इनवॉलेंट्री हैं. इनवॉलेंट्री मतलब ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी मर्जी से इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते हैं. जिन मसल्स को आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं वो है स्केलेटल मसल्स. सो स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड हैं और वॉलेंट्री हैं. सो एक तो इनके कंट्रोल के आधार पे हमने कहा ये इनवॉलेंट्री, स्मूथ वाले भी इनवॉलेंट्री, स्केलेटल वाले वॉलेंट्री. दूसरा स्ट्राइएशंस के आधार पे, जब आप मसल फाइबर्स को एक सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे बेटा जी तो आपको उसमें धारियां या स्ट्राइएशंस नजर आएंगी. वो क्यों बनती हैं वो भी हम समझेंगे. मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन्स का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि उसमें हमें स्ट्राइएशंस मिलते हैं. कार्डियक मसल फाइबर्स में स्ट्राइएशंस मिलते हैं देखने को, सो दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड. स्मूथ मसल फाइबर्स में स्ट्राइएशंस नहीं होते, दे आर कॉल्ड नॉन स्ट्राइटेड. स्केलेटल मसल फाइबर्स में स्ट्राइएशंस होते हैं. क्लियर है जी इतना? ब्रीफ जो क्लासिफिकेशन है इतनी बात क्लियर है जी आपको, राइट? पुनीता, हिमांशु, बिलाल, सौरभ, रतन, आयुष, समंथा, रत्ना, प्रेरणा, सादिक, नैन्सी, जेनिसा, प्रिंसी, क्लियर है जी? वेरी गुड. ठीक है जी, 400 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, दैट्स वंडरफुल. और ज्यादा लोगों को लिंक आगे फॉरवर्ड कीजिए. जितने ज्यादा लोग बेहतरीन तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे होंगे तो उतना ही ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में, राइट? कुछ लोग चैट पे एक्टिव हैं, कुछ नहीं भी हैं. आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम. कुछ लोगों का मानना है भाई चैट करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है साथ साथ, और कुछ बच्चे जो है उनको लगता है चैट में हम अपने डाउट क्वेश्चन सर से बातचीत कर सकते हैं. सो ठीक है जी, दोनों का अपना अपना तरीका है. वेल, मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार के मसल्स हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ. वन बाय वन मैं ये तीनों तरह के मसल्स डिस्कस करूंगा, फिर हम स्केलेटल मसल की डिटेल में चले जाएंगे, और फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कि किस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब एसिटाइल कोलीन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है
तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट राजा बेटा। सो पहले इसमें से डिस्कस करते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक, कार्डियक मसल्स कहां पाए जाते हैं जी? कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है, हार्ट की जो वॉल होती है उसकी तीन लेयर्स होती हैं, इनर मोस्ट एंडोकार्डियम, मिडल लेयर इज कॉल्ड मायोकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिकार्डियम, जो कि पेरिकार्डियम का एक हिस्सा होता है, बिकॉज पेरिकार्डियम की भी फर्दर लेयर्स होती है ना। आउटर मोस्ट देयर इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन देयर इज सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर, इनर विसरल पेरिकार्डियम, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जिन लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पे आपको हार्ट के स्ट्रक्चर वाली क्लासेस मिल जाएंगी। सो राजा बेटा, कार्डियक मसल फाइबर्स जो है वो हार्ट में पाए जाते हैं। अगर मैं एक रफ रिप्रेजेंटेशन बनाऊं यहाँ पे हार्ट का आपके लिए, मान लीजिए ये दोनों एट्रिया है और ये वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल को सेपरेट कर देते हैं, बात कर रहे हैं हार्ट की इस वॉल की, ये वाली चीज जो है ना। सो हार्ट वॉल जो होती है बेटा, इस हार्ट वॉल में ही कार्डियक मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। हार्ट वॉल की कौन सी लेयर में अगर हमसे ये पूछा जाए, तो मिडल मस्कुलर लेयर जो है, थिकेस्ट लेयर यही होती है, मायोकार्डियम, राइट। सबसे अंदर वाली लेयर जो है दैट इज एंडोकार्डियम, मिडल इज मायोकार्डियम, आउटर इज एपिकार्डियम। सो आप ध्यान रखेंगे, द कार्डियक मसल्स दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, राइट। Okay, these form the most of the heart wall. Cardiac muscle fibers striated होते हैं, इनमें striations हैं। अभी मैं आपको इसके बाद एक slide दिखाऊंगा जिसमें clear diagram होगा इनका, और ये involuntary है। आपका दिल आपके कोई conscious control में तो नहीं है। आपने पढ़ा है कि heart के अंदर अपने आप impulse generate होती है, pacemaker of the heart. What is that? SA node, sinoatrial node. SA नोड किस चीज से बना है? SA नोड कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट के अपने ही कुछ मसल फाइबर्स मॉडिफाई हो जाते हैं और वो SA नोड बनाते हैं, पेसमेकर ऑफ द हार्ट बनाते हैं। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है। अगर आप हार्ट को बॉडी से निकाल के बाहर भी रख देंगे, देन ऑल्सो इट कीप्स ऑन बीटिंग, बट द बीट्स बिकम इररेगुलर, राइट, एरिदमिक हो जाती हैं। तो SA नोड मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर ही होते हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स प्रेजेंट इन हार्ट, मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। देखने में वो स्ट्राइटेड है लेकिन वो फंक्शनली इनवॉलंट्री है। द हार्ट बीट्स बिकॉज इट हैज अ पेस मेकर दैट इनिशिएट्स ईच कॉन्ट्रेक्शन। याद है आपको, एस ए नोड जो है यहां पे एट्रियम में प्रेजेंट है, एस ए नोड, साइनू एट्रियल नोड, विच जेनरेट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। एस ए नोड से इम्पल्स एवी नोड तक जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज एंड देन परकिंजे फाइबर्स, राइट। कार्डियक मसल फाइबर्स जो है ये ब्रांच्ड भी होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। कार्डियक मसल फाइबर में ब्रांचिंग पैटर्न होता है, दे आर ब्रांच्ड, राइट। एंड एडजसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। अब आप देखिए, मेरे पीछे आपको एक हाईली एनलार्ज्ड व्यू में कार्डियक मसल्स दिखाए गए हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स, राइट। आप इनमें ब्रांचिंग देख सकते हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स ब्रांच्ड भी हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए बेटा, दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क। पहले आप उस इंटरकैलेटेड डिस्क को यहां पहचान लीजिए। एडजसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये वाली चीज, इंटरकैलेटेड डिस्क को यहां पे खोल के दिखाया गया आपको। इधर देखिए, डायग्राम पसंद आएगा तो जबरदस्त लाइक्स जरूर आने चाहिए आपकी तरफ से, दे आर गोइंग टू एनर्जाइज मी। ये देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क बेटा, इंटरकैलेटेड डिस्क जो है इट अलाउज द क्विक स्प्रेडिंग ऑफ कार्डियक इम्पल्स। कार्डियक मसल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जेनरेट कर रहे हैं, सो फ्रॉम वन मसल फाइबर टू अनदर मसल फाइबर क्विकली ये चीज ट्रांसफर होती है, राइट जी। नाउ एक और चीज देखिए, जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वहां पे गैप जंक्शंस भी हैं, ये रहे, मैं इसको एनलार्ज भी कर देता हूं। सो इंटरकैलेटेड डिस्क इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, दीज अलाउ क्विक स्प्रेडिंग ऑफ द इम्पल्स एंड एक्सचेंज ऑफ आयन्स ऑल्सो। जैसे मैंने ये दो हाथ अपने आपस में जोड़ लिए ना, आप देख सकते हैं बीच में ये जो zigzag पैटर्न बन गया है, दिस zigzag पैटर्न जो है यही इंटरकैलेटेड डिस्क है।
चलिए स्क्रीन पर नजर डालते हैं, अंकित जी ने गुलाब भेजे हैं, थैंक यू सो मच। मुस्कान को डायग्राम पसंद आ रहा है, विनय साहब आपने भी डायग्राम की तारीफ करी है। सैदा, संयोगिनी, राजेश, सोनू, रवि, जैनिसा, सुनील, तनुश्री, थैंक यू सो मच जी, वंडरफुल, ग्रेट। जिन लोगों ने लाइक नहीं करा है अभी तक वीडियो, जल्दी से 450 के करीब लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जल्दी से अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है, पढ़ाने वाला पसंद आ रहा है, सो डेफिनेटली लाइक्स तो बनते हैं ना जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, कार्डियक मसल्स की कहानी खत्म हुई। कार्डियक मसल्स जो है, दे यूज फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। दिल कभी भी थकता नहीं है भाई, आपका दिल लगातार धड़कता रहता है, अगर दिल थक जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। सो कार्डियक मसल्स जो है, दे नेवर गेट फटीग्ड, दे यूज फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। ध्यान रखिएगा, कार्डियक मसल फाइबर्स का जो लिपिड कॉन्टेंट है वो भी ज्यादा होता है। देयर लिपिड कॉन्टेंट इज हाई, दे आर ब्रांच्ड, दे यूज फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई इसमें स्ट्राइशंस नहीं होती, दे आर स्मूथ, राइट। सो ये नॉन स्ट्राइटेड या अनस्ट्राइप्ड भी कह देते हैं हम इनको, स्मूथ मसल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्राइटेड, दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइप्ड, राइट जी। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइशंस नहीं है। और बेटा जी, जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स, दे आर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है कि ये सेंटर में मोटे हैं और किनारों में पतले हैं। अगर मैं स्पिंडल एक चीज बनाऊं कुछ इस तरह से, सेंटर में ये चीज मोटी है और किनारों में ये चीज पतली है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। और ये यूनि न्यूक्लिएट है, इनमें एक सिंगल लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है। यहां पे मैंने यूनि न्यूक्लिएट वर्ड पे एम्फेसिस क्यों दिया, बिकॉज जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हम पढ़ेंगे बेटा जी, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स स्पिंडल शेप्ड हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स यूनि न्यूक्लिएट हैं। स्पिंडल शेप कहने का मतलब है दे आर थिक एट द सेंटर एंड दे आर थिन एट एंड्स। लेट मी राइट हियर, दे आर थिक एट सेंटर एंड थिन एट एंड्स। इनमें मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अरेंज्ड नहीं है कि प्रॉपर सार्कोमियर्स बने। सार्कोमियर्स जो होता है बेटा, वो पढ़ेंगे अभी हम आगे स्केलेटल मसल फाइबर्स में, राइट। चंदन, आयुष, सर्वेश, बुशरा, आप एग्जांपल्स लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ओके जी, जाहिद साहब आप पुणे से हैं, नमस्कार आपको। ओके जी, चलिए पुणे के नाम पे लाइक्स बढ़ाइए फिर जल्दी से। देखिए इधर, इट लुक्स नॉन स्ट्राइटेड, ये देखने में इनमें स्ट्राइशंस नहीं है, यही कारण है दैट दे आर रेफर टू एज स्मूथ। तो स्मूथ कहने का मकसद ये है। स्मूथ मसल फाइबर्स कहां पे हैं? आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी हॉलो ऑर्गन्स की लाइनिंग, जैसे पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ईसोफेगस, ईसोफेगस के शुरुआत के हिस्से में स्केलेटल मसल्स भी होते हैं, राइट। स्टमक, देन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरी हॉलो ट्यूब तो है। तो जितने हॉलो ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, उनकी वॉल जो है वो स्मूथ मसल से बनी है। चाहे आप बात कर लीजिए ब्लड वेसल्स की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, यूरिनरी ब्लैडर से जो आगे निकल रही है यूरिथ्रा, देन यूरेटर्स में, यूट्रस में, इन सब जगहों पे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं हॉलो ऑर्गन्स में। इसके अलावा और जगहों पे भी हैं, हमारी स्किन के जो बाल हैं ये, इसके नीचे मसल्स होते हैं ना, अरेक्टर पिलाई मसल्स, बालों की जड़ों में अरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स, वहां पे स्मूथ मसल्स हैं। इसके अलावा हमारी आंख में जो आयरिस है, आयरिस के अंदर जो सेंट्रल अपर्चर है, प्यूपिल, प्यूपिल का डायमीटर बड़ा छोटा करता है ना लाइट के अनुसार, प्यूपिल चेंजेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अनुसार, प्यूपिल बड़ा या छोटा हो जाता है, हम आई के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। सो आयरिस के जो मसल्स हैं वो भी स्मूथ मसल्स हैं। आपका लेंस जो है, पास वाली चीज को भी देख सकता है, दूर वाली चीज को भी देख सकता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो लेंस के कर्वेचर को जो रेगुलेट करते हैं सीलियरी मसल्स, सीलियरी बॉडी में जो है, वो भी स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल का लोकेशन कहां कहां है अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्मूथ मसल की टाइप भी बताने वाला हूं आपको, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, द एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इज इनवॉलंटरी। स्मूथ मसल्स आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे? हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स में। आपने पढ़ा है ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन स्टिमुलेट्स यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस,
प्रोजेस्टिरॉन हार्मोन इनहिबिट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, राइट. स्क्रॉटम की वॉल में मेल्स के केस में इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द मेन बॉडी कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम. व्हाई? बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन मैच्यूरेशन एंड स्टोरेज रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन द मेन बॉडी टेम्परेचर. स्क्रॉटम की वॉल में भी स्मूथ मसल्स हैं, डार्टॉस मसल्स हैं, और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसमें क्रिमेस्टर मसल्स हैं. डार्टॉस एंड क्रिमेस्टर मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जो है स्क्रॉटम का ओवरऑल सर्फेस एरिया चेंज हो रहा है. सो वहां पर वो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं. क्लियर हुआ? मैं आपको ये समझा रहा हूं, स्मूथ मसल्स आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है भाई. आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते हैं. लेकिन कौन से फैक्टर्स उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं? हॉर्मोन्स, टेम्परेचर, राइट, इवन स्ट्रेचिंग, खिंचाव जब होगा. जैसे अफरेंट आर्टेरियोल की बात करते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन टू अफरेंट आर्टेरियोल इंक्रीजेज द वॉल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल स्ट्रेचेस, स्ट्रेचिंग के रिस्पॉन्स में वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. तो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, ये बात समझाई मैंने आपको. एंड सम स्मूथ मसल टिश्यू सच एज द मसल्स दैट प्रोपेल फूड थ्रू योर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हैव ऑटो रिदमिसिटी. कुछ स्मूथ मसल्स ऐसे भी हैं, जैसे हमारे जीआई ट्रैक्ट में पेरिस्टेल्सिस होता है ना, तो वो जो वेव ऑफ पेरिस्टेल्सिस है वो अपने आप ओरिजिनेट करती है, ऑटो रिदमिसिटी होती है. हमारे जीआई ट्रैक्ट का अपना नर्वस सिस्टम भी है अलग से, एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं उसे, वो भी हम पढ़ेंगे. स्मूथ मसल्स दो प्रकार के होते हैं बेटा जी. वन इज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स एंड द अदर इज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, राइट. सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट में अंतर क्या है, अब आपको यह समझाने जा रहा हूं. जितना अभी तक पढ़ाया गया है आपको क्लियर है इतना? नमस्ते जी, सुतानवी जी पंजाबी में नमस्ते लेके भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच. गौतम, डॉली, आयुष, सर्वेश, डिंपल, क्लियर है इतना आपको? आगे बढ़े. सर्वेश ने लिखा है स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, बिल्कुल ठीक लिखा है. ध्रुपद, आपने भी सही बात लिखी है. मेघा, इज इट क्लियर? अतुल, बढ़ सकते हैं आगे. गंभीर जी, राइट. चलिए, छोटा बड़ा कैसे होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे होते हैं, किस चीज को पूछ रहे हैं आप? नाउ इधर देखिए, स्मूथ मसल्स जो है वो दो तरह के हैं, दैट इज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स. दोनों के डिफरेंसेस आपको समझाने जा रहा हूं. सिंगल यूनिट वो है जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनमें आपस में बहुत सारे गैप जंक्शंस हैं, एक यूनिट की तरह हैं, राइट. डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. इधर देखिए राजा बेटा, मैंने आपके सामने दो तरह के स्मूथ मसल्स दिखाए हैं. दिस इज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, दिस इज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल. ध्यान से डिफरेंस देखिए. सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं, जैसे मान लो ये एक मसल फाइबर है इस तरह से, ये स्पिंडल शेप्ड चीज जो आपको दिख रही है, ये बीच में मसल फाइबर का न्यूक्लियस है. गौर से देखिए इस डायग्राम को, कितनी चीजें आपको इसी से क्लियर हो जाएंगी. ये रहा इसका न्यूक्लियस, राइट. मैंने कहा ना ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, देयर इज अ सिंगल लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस. ये रहा स्मूथ मसल्स, सिंगल यूनिट वाले आपस में बिल्कुल एक यूनिट की तरह जुड़े हुए हैं. ये एक पीले रंग से एक्सॉन देख रहे हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरॉन आया, यहां पे एक जंक्शन बन गया, एक उसके पास ये मसल फाइबर्स का यूनिट था, यहां बन गया. तो इनको विसरल मसल्स भी कहते हैं, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स. मल्टी यूनिट देखिए, अलग अलग फाइबर्स बिखरे हुए एक दूसरे से, उनमें आपस में बहुत कम जंक्शंस हैं या है ही नहीं, और बहुत सारे न्यूरॉन से अलग अलग वो सप्लाइड है. जहां पे बहुत प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, जैसे अरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर फॉलिकल, मसल्स विच आर रेगुलेटिंग डायामीटर ऑफ द प्यूपिल, मसल्स विच आर रेगुलेटिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस सीलेरी बॉडी, वो मल्टी यूनिट होते हैं. जहां प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए वो मल्टी यूनिट, जहां पे सिंगल एक पूरे यूनिट की तरह एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा देना है, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूनिट. आई होप आपको सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स का अंतर समझ आया. मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं लिखा है मैंने बेटा, मल्टी यूनिट लिखा हुआ है. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज सिंगल यूनिट मल्टी यूनिट, राइट. दोनों के डायग्राम आपके सामने हैं, अब मैं दोनों के लिए आपको पॉइंट्स भी पढ़ देता हूं. इधर देखिए, वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू, द मोर कॉमन टाइप इज द विसरल मसल. सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स ज्यादा होते हैं, सिंगल यूनिट को ही स्मूथ मसल भी कहते हैं, एंड दे आर मोर कॉमन. दीज आर फाउंड इन टिब्यूलर अरेंजमेंट दैट फॉर्म्स द वॉल ऑफ स्मॉल आर्टरी. लोकेशन बताई गई है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स स्मॉल आर्टरीज में, वेन्स में,
हॉलो ऑर्गन्स में जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, राइट? और ये भी ऑटो रिदमिक होते हैं। क्लियर है जी? सिंगल यूनिट स्मूथ मसल को विसरल मसल भी कहा। दे कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल यूनिट, राइट? नाउ सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनमें आपस में बहुत सारे जंक्शंस हैं, उन्हें गैप जंक्शंस कहते हैं। फॉर्मिंग अ नेटवर्क थ्रू विच मसल एक्शन पोटेंशियल कैन स्प्रेड। एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर तक अपने आप एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है। स्टिमुलेशन ऑफ वन विसरल मसल फाइबर, एक फाइबर जब स्टिमुलेट हुआ, इट इज गोइंग टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेनी एडजसेंट फाइबर्स। जैसा कि इसमें देखो, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक फाइबर अगर स्टिमुलेट होगा तो ये पूरे का पूरा यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। लेकिन इसके केस में अलग अलग फाइबर के पास आप देख रहे हैं अलग अलग न्यूरॉन्स आकर के इम्पल्सेस दे रहे हैं। हर किसी का अपना अपना अलग से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना हुआ है। मल्टी यूनिट वालों में, सिंगल यूनिट के केस में क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ वन विसरल मसल फाइबर कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेनी एडजसेंट फाइबर्स। व्हेन अ न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन या ऑटो रिदमिक सिग्नल स्टिमुलेट्स वन फाइबर, एक फाइबर को स्टिमुलेट करेगा, द मसल एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड टू नेबरिंग फाइबर्स ऑल्सो विच देन कॉन्ट्रैक्ट इन यूनिसन, यानी एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप क्लियर हुई है आपको ये बात, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट का। बताइए जिन लोगों को किसी ने पूछा सीलिरी मसल्स में कौन सी मसल्स हैं, मैंने आपको बताया मल्टी यूनिट, मल्टी यूनिट है बेटा जी, अभी देखेंगे आप आगे, राइट जी? चलिए, वेरी गुड, फंडा क्लियर होना चाहिए। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, दीज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल फाइबर्स ईच विद इट्स ओन मोटर न्यूरॉन टर्मिनल एंड फ्यू गैप जंक्शंस। आप इधर देख लीजिए, मल्टी यूनिट में ढेर सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन इनको सप्लाई कर रहे हैं, हर कहीं पे अपना ही एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना हुआ है, राइट? जबकि इसमें ऐसा नहीं था, ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सभी जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहा है। यहाँ पे हर फाइबर का अलग अलग है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होगा, इसलिए ऐसा है। हर किसी का अपना मोटर न्यूरॉन टर्मिनल है एंड फ्यू गैप जंक्शंस हैं। स्टिमुलेशन ऑफ वन मल्टी यूनिट फाइबर कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइबर ओनली, वो उसी का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा एक्यूरेटली। मान लो एक ग्रुप ऑफ मसल फाइबर है, हमें बस यही दो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करवाने हैं, तो मल्टी यूनिट पाए जाएंगे वहां पे, राइट जी? क्लियर है? मल्टी यूनिट का लोकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, मल्टी यूनिट फाइबर्स कहां कहां पाए जाते हैं, मल्टी यूनिट का लोकेशन देखते हैं। वॉल ऑफ लार्ज आर्टरीज, वहां पे वॉल ऑफ स्मॉल आर्टरी था, ठीक है जी? एयरवे टू द लंग्स यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अरेक्टर पिलाए मसल्स दैट अटैच टू हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ों के नीचे जो मसल्स हैं, राइट? अरेक्टर पिलाए मसल्स कहलाते हैं वो। मसल्स ऑफ द आयरिस दैट एडजस्ट प्यूपिल डायामीटर, आंख में आयरिस है, आयरिस के अंदर प्यूपिल है। अगर आप फ्रंटल व्यू से देखें, सपोज कीजिए ये आई है, आई के अंदर ये रहा आयरिस, आयरिस के अंदर ये रहा प्यूपिल, और प्यूपिल के डायामीटर को रेगुलेट करते हुए आयरिस के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स, रेडियल मसल्स, राइट जी? दिस स्ट्रक्चर इन द आई इज व्हाट इज प्यूपिल। सो यहाँ पे जो आयरिस के मसल्स हैं राजा बेटा, ये वाले भी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं। क्लियर हुआ? देन लेंस को जो होल्ड करके रख रहे हैं सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी से सीलियरी प्रोसेसेस भी निकलते हैं, सीलियरी प्रोसेसेस से सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस के कैप्सूल के साथ जुड़े होते हैं, लेंस पास वाली चीज को भी देख सकता है, लेंस दूस वाली चीज को भी देख सकता है। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेंस अपना कर्वेचर बदलता है, सो वहां पे भी ये वाले मसल्स होते हैं। क्लियर है जी? राइट? पुनीता, सुतानवी, अश्मित, पूजा, राज चौधरी, ग्रेट, सब लोग कह रहे हैं जी क्लियर हो गया, वंडरफुल।
चलिए आगे बढ़े फिर, राइट। मुझे जल्दी से अपने थम्स अप साइन भेजिए ताकि मुझे, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है सर्वेश आपने, आप थम्स अप साइंस भेजिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको क्लियर हो गया है इतना, योर मैसेज इज कन्वेड टू मी, तब मैं आगे बढ़ सकूं। जब आपको समझ आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, राइट जी। ग्रेट, वंडरफुल, संदीप ने कहा, साहिबा ने कहा, जी बिल्कुल क्लियर हो गया। सेंसरी नहीं रुचि, मैंने सस्पेंसरी लिगामेंट कहा था, सस्पेंड करते हैं जो से, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, राइट जी। डॉक्टर मुस्कान, क्रिस्टल क्लियर है। रोहित जी क्रिस्टल क्लियर। मयंक जी आपका नाम भी ले लिया मैंने, ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है अब हमारे पास स्केलेटल मसल्स की। हमने अभी तक क्या देखा है, व्हाट इज मूवमेंट, मूवमेंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। व्हाट इज लोकोमोशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल बॉडी। देन मूवमेंट्स दो प्रकार की हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स, नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स। मस्कुलर मूवमेंट्स इन्वॉल्व मसल्स, और नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स सीलरी मूवमेंट, फ्लेजुलर मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइक्लोसिस, ये सब चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे नॉन मस्कुलर में। फिर हमने मस्कुलर मूवमेंट में टाइप ऑफ मसल्स की कहानी शुरू करी। मसल्स तीन तरह के हैं, कार्डियक मसल्स आपको बताए, इंटरकैलेटर डिस्क इंपॉर्टेंट फीचर है, स्मूथ मसल्स आपको बताए, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट। अब हम बात करने जा रहे हैं स्केलेटल मसल्स की, राइट जी। थैंक यू सो मच, आपके थम्स अप साइन एनर्जी दे रहे हैं हमें, वंडरफुल। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कीजिए और सुनिए मेरी बात। स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल कहते क्यों हैं, सिंपल सी बात है भाई, स्केलेटन वर्ड इसमें आ गया तो इसका मतलब हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके स्केलेटल मसल आपकी बोन्स के साथ जुड़ते हैं, और वो टिश्यू जो मसल और बोन को आपस में जोड़ता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेंडन। सो मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स। लेकिन कुछ स्केलेटल मसल ऐसे भी हैं जो हो सकता है डायरेक्टली बोन से ना भी अटैच्ड हो, जैसे स्फिंक्टर्स हैं हमारे, स्फिंक्टर्स भी तो है ना बॉडी में। जो कुछ स्फिंक्टर्स ऐसे हैं जो वॉलंटरी हैं स्केलेटल मसल से बने, जैसे अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हो गया, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हो गया, राइट। टंग, टंग में भी तो स्केलेटल मसल्स ही हैं। आपका डायफ्राम भी तो स्केलेटल मसल है, डायफ्राम जो है अप डाउन मूव करता है, ब्रीदिंग करा रहा है। लेकिन आप जब चाहें डायफ्राम को थोड़ी देर के लिए मूवमेंट रोक सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं अपना सांस रोकिए थोड़ी देर के लिए, सो यू कैन डू दैट, दैट मीन्स डायफ्राम इज अ स्केलेटल मसल, क्लियर है। स्केलेटल मसल को स्केलेटल क्यों कहा, क्योंकि वो हड्डियों के साथ जुड़े हैं। सो देखते हैं, स्केलेटल मसल इज सो नेम्ड बिकॉज मोस्ट स्केलेटल मसल्स मूव द बोन्स, वो हड्डियों को मूव कर रहे हैं। A few skeletal muscles attach to and move the skin also or other skeletal muscle. कई skeletal muscles ऐसे हैं जो skin को भी move करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं human body में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हम अपनी skin move कर सकते हैं, बोलिए जल्दी से। वैसे स्किन को मूव करने वाले मसल्स हमारे में फंक्शनल नहीं हैं, लेकिन देर इज अ प्लेस इन आवर बॉडी वेयर वी कैन मूव आवर स्किन ऑल्सो। हाँ जी जल्दी से, कनीज, डिम्पल, रुचि, हुमा, सुतानवी, संजी, आकाश, राजेश, सबीहा, जेरी, जेरी फ्रेनिक मसल आपने सही कहा है, फ्रेनिक मसल इज द अदर नेम फॉर द डायफ्राम। हाँ जी किशन पांडे, बोलिए जी। मैंने सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट के एग्जांपल्स आपको दे दी है लक्ष्मी, स्लाइड पे आपने देखा नहीं। आप सही कह रहे हैं, फ्रंटल पार्ट शायद आप कहना चाह रहे हैं, फोर हेड को, माथे पे जो स्किन है हम ऐसे करके, ये देखिए ऐसे मूव कर लेते हैं ना। सो दिस इज द रीजन वेयर यू कैन मूव योर स्किन। यहां पे हम अपने लिप्स, लिप्स कोई स्किन नहीं है, ये वाला रीजन जो मैंने, फोर हेड, बिल्कुल सही लिखा है अभय प्रताप ने लिखा है शायद, राइट जी। सो फोर हेड रीजन जो है वहां पे हम स्किन मूव कर लेते हैं। देखिए जी, स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्राइटेड होते हैं। अगर आप स्केलेटल मसल फाइबर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, मान लीजिए ये एक मसल फाइबर लिया हमने, तो स्केलेटल मसल फाइबर में आपको इस तरह से स्ट्राइएशंस नजर आती हैं। मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स के कारण ये स्ट्राइएशंस बनती हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स कहते हैं इनको, बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाली क्लासेस में, राइट। दिस इज हाउ अ स्केलेटल मसल फाइबर लुक्स लाइक। और ये स्ट्राइशंस किस कारण से हैं, ये स्ट्राइशंस हैं मेरे बेटा जी, एक खास तरह के प्रोटीन्स हैं, मायोसिन एंड एक्टिन, इनकी फिलामेंट्स बनी होती हैं। सो मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन आर द थिक फिलामेंट्स,
एक्टिन आर द थिन फिलामेंट्स, इसके कारण ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस आता है, तभी हम इनको स्ट्राइटेड कहते हैं या स्ट्राइब्ड कहते हैं, राइट। ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स, पूरा डिटेल में आपको भी समझाऊंगा आगे कि ये बैंड्स किस प्रकार से बनते हैं, उन्हीं बैंड्स को स्ट्राइशंस कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स आर सीन व्हेन द टिश्यू इज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप के नीचे, सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, आपको स्ट्राइशंस दिखेंगी, राइट मेरे राजा बेटा, क्लियर है। सार्कोमियर, हाँ बिल्कुल, अभी हम पढ़ेंगे सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोसोम्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल्स जो हैं, इट वर्क्स मेनली इन अ वॉलंटरी मैनर, मतलब ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है, आप अपने हाथ पैर के मसल्स जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं ना, सो ये स्केलेटल मसल्स हैं, राइट। स्केलेटल मसल के ऊपर पर्टिकुलर लोड डाल के, प्रोटीन रिच डाइट लेके आप मसल्स को ग्रो कर सकते हैं, मसल्स का साइज बड़ा कर सकते हैं, बट व्हेन यू स्टॉप डूइंग दैट अगेन मसल्स विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल साइज। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स एक्टिविटी कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स दैट आर पार्ट ऑफ द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। डायफ्राम की कहानी देखिए, फ्रेनिक मसल, इट कॉन्टिन्यूज टू ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाना हमको याद थोड़ी रखते हैं, डायफ्राम तो अपने आप अप डाउन कर रहा है। डायफ्राम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, क्योंकि आपके ब्रेन के मेडुला रीजन से इम्पल्सेस आ रही हैं जो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रही हैं। डायफ्राम है एक स्केलेटल मसल बट इट इज रेगुलेटेड इनवॉलेंटरीली, लेकिन आप जब चाहे डायफ्राम की मूवमेंट को रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, आप सांस ज़्यादा देर के लिए रोक नहीं पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मेडुला के रेस्पिरेटरी सेंटर तक इम्पल्सेस बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी और आपको सांस लेना ही पड़ेगा, राइट जी। टंग में भी वॉलंटरी मसल्स हैं, बिल्कुल, जुबान आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है, सो योर टंग हैज द वॉलंटरी मसल्स, राइट जी, ओके। ध्यान रखिएगा, आप अपना सांस खुद इतनी देर तक नहीं रोक सकते कि आप मर जाएं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मेडुला पे जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे और मेडुला से स्ट्रांग इंपल्सेस आएंगे और आपको सांस लेना ही पड़ेगा। देखिए, यू डू नॉट नीड to consciously think about contracting the skeletal muscles that maintain your posture or stabilize your body position. कई skeletal muscles ऐसे भी हैं जो autonomic nervous system अपने आप control कर रहा है। मान लीजिए जैसे हम खड़े हैं, मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ, तो गर्दन जो है मैंने कोई ज़बरदस्ती contract थोड़ी करी है, ये ऐसे क्यों नहीं हो जाती? जब आप नींद में होंगे तो हमारी गर्दन ऐसे गिर जाती है ना, muscle तो तब भी skeletal ही थे, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है उस टाइम? और जब आप बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े हैं, आपका नेक, आपका पोस्चर एकदम इरेक्ट मेंटेन्ड है, बिकॉज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इम्पल्सेस भेज रहा है आपके नेक मसल्स को कि भाई आप एक कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में रहें और बॉडी का पोस्चर बैलेंस बनाए रखें। क्लियर हुई बात आपको? कनीज, मुस्कान, गंभीर, विकी, सत्यम, प्रेरणा, पूजा, द्रुपद, गिरीश, वैशाली, मुमताज, मेघा, ग्रेट जी, वेरी गुड, चलिए वंडरफुल। आगे देखते हैं मसल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, जो मसल्स हमारे शरीर में हैं क्या क्या काम कर रहे हैं। भाई देखिए, मसल बॉडी मूवमेंट करा रहे हैं, एग्रीड। अगर मुझे एक से दूसरी जगह चल के जाना है तो मसल्स का ही तो इन्वॉल्वमेंट है, कोई वजन उठाना है जमीन से तो भी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। बॉडी पोजीशन का स्टेबलाइजेशन, आप इस समय चेयर पे बैठे हैं या जिस भी अवस्था में हैं, आपकी बॉडी पोजीशन को स्टेबलाइज करा हुआ है। एक मसल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे सर्टन मसल फाइबर्स इन अ मसल ऑलवेज रिमेन इन अ बेसिक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल टोन कहते हैं उसे। अगर वो मसल टोन नहीं होगी तो मसल की बेसिक हेल्थ नहीं बनी रहेगी, मसल फ्लैसिड हो जाएंगे, राइट जी। स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, मसल्स स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस में कैसे इन्वॉल्व्ड हैं, यहाँ पे रेफर किया गया है स्फिंक्टर्स को। आपने स्टमक में पढ़ा है ना, देर इज कार्डियक स्फिंक्टर, देर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो जो स्फिंक्टर्स हैं वो फ्लो को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो स्टोर रहता है, क्योंकि यूरिथ्रा का जो स्फिंक्टर होता है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है, इंटरनल और एक्सटर्नल दो स्फिंक्टर हैं, जब वो स्फिंक्टर्स बंद रहेंगे तो ब्लैडर में चीज स्टोर्ड है। ऐसा ही अप्लाई होता है स्टमक में, स्टमक में खाना है, पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद है तो फूड स्टोर्ड है। तो आप समझ गए स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस को मैंने कैसे रेगुलेट करा है, स्फिंक्टर्स के साथ। स्फिंक्टर मसल्स जो है चीजों को स्टोर करा के रख रहे हैं। नेक्स्ट इज दी हीट जनरेशन, मसल्स में हीट जनरेशन है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जैसे आपने देखा होगा कि भाई बहुत ठंड लगती है तो ठंड में हम कांपने लगते हैं,
कांपने से क्या होता है, मसल से हीट जेनरेट होती है, मसल्स ऑल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, ये भी याद रखिएगा, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस याद रखिएगा, ठीक है जी। रजनी जी, फ्लैसिड का मतलब होता है जैसे एक मसल जो है बिल्कुल ढीला ढाला पड़ जाएगा, उससे फ्लैसिड कह देते हैं, राइट जी, क्लियर है जी, ओके। पुनीता, शिवेंद्र, भावना, डिंपल, साहिबा, सार्थक, मयंक, पूजा, सर्वेश, सकांक्षा, प्रतिमा, ऋषिकेश, एडिपोस टिश्यू कहां से याद आकर जी, एडिपोस टिश्यू फैटी टिश्यू को कहते हैं जो फैट स्टोर करता है। ऋषिकेश जी, सार्थक, यश, जसवंत, मुस्कान, अभिजीत, सबको क्लियर है एकदम, हीट जनरेशन, ध्रुपद, क्लियर हो गई बात, राइट। चलिए जल्दी से थम्स अप साइन मुझे भेजिए कि आपको इतनी बात क्लियर है, वंडरफुल, आपकी तरफ से स्टार्स भी आने लग गए हैं, दैट मींस आपको फंक्शन वाली बात क्लियर हो गई। सो मसल्स बॉडी मूवमेंट करा रहे हैं, बॉडी पोजीशन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, मसल स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए है एंड हीट जनरेशन के लिए है। हीट जनरेशन के लिए हम यहाँ पे थर्मोजेनेसिस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, थर्मो रेफर्स टू हीट, जेनेसिस रेफर टू जेनरेशन, ठंड में जब हम कांपते हैं सो उस कांपने से हीट जेनरेट होती है, राइट जी। सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी ये चीज पढ़ेंगे कि डर के मारे हम क्यों कांपने लगते हैं, राइट। चलो आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू की, मसल्स में क्या क्या खास प्रॉपर्टीज हैं। फ्रिक्शन से, मसल फाइबर्स का फ्रिक्शन हुआ तो हीट जेनरेट होता है, मसल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके कारण हीट जेनरेट हो रहा है। नाउ मसल्स की प्रॉपर्टीज है एक्साइटेबिलिटी, मसल्स आर एक्साइटेबल टिश्यू, मसल की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी भी कह देते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सारी प्रॉपर्टी समझते हैं। पहले एक्साइटेबिलिटी से क्या मतलब है, देखिए बेटा सपोज मेरे हाथ में ये एक मसल टिश्यू है, मैं एक इलेक्ट्रोड से इसे स्टिमुलस देता हूं तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, राइट, इट जेनरेट्स अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। एक्साइटेबल टिश्यूज हमारे शरीर में दो हैं, दो एक्साइटेबल टिश्यूज हैं, एक न्यूरॉन्स और एक मसल्स, राइट, दैट इज एक्साइटेबल टिश्यू। सो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है, अ मसल रिस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस, इट इज एन एक्साइटेबल टिश्यू, और उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू का होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस विच इज कैपेबल ऑफ जेनरेटिंग अ रिस्पॉन्स, राइट। अगर वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम हुई तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये चीज आगे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे भी, फिलहाल तो सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सो आपको पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई बेटा जी, बिल्कुल राइट, एक्साइटेबिलिटी, इट इज एन एक्साइटेबल टिश्यू, दो टिश्यूज हैं एक्साइटेबल शरीर में, न्यूरॉन्स एंड मसल्स, राइट। ये प्रॉपर्टीज आगे डिफाइंड भी हैं, इधर देखिए पहली प्रॉपर्टी जो डिफाइंड है दैट इज एक्साइटेबिलिटी। व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सर्टन स्टिमुलाई, स्टिमुलस वर्ड का मतलब होता है चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्टिमुलाई जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, फिजिकल टच हो सकता है। सो इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सर्टन स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल्स। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि मान लीजिए ये एक मसल फाइबर है और ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन यहां आके एंड कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है, यहां से इंपल्स आई, तो जब ये इंपल्स यहां पे पहुंची न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और मसल फाइबर तक पहुंची तो मसल फाइबर में उसने एक्शन पोटेंशियल जेनरेट करवाया, क्लियर है जी, एक्साइटेबिलिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि उस एक्शन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट, वही लिखा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्टिमुलस की वैल्यू थ्रेशोल्ड होनी चाहिए व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय एन एक्शन पोटेंशियल। यही चीज को एक्शन पोटेंशियल कह रहा हूं मैं यहां पे, ये जो इंपल्स आ रही है यहां पे दैट इज एक्शन पोटेंशियल, वो एक्शन पोटेंशियल इस मसल फाइबर में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, दिस इज मसल फाइबर,
राइट बेटा जी, दो प्रॉपर्टी समझ आ गई. द फर्स्ट वन वाज एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिबिलिटी. मसल एक्सटेंड हो सकते हैं. एबिलिटी ऑफ मसल टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज्ड. मसल में स्ट्रेचिंग भी होती है, खिंचाव भी होता है. आप अगर जिम जाते हैं तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी ऐसे करते हैं ना कि मसल्स को आपने स्ट्रेच करा. जब आपने स्ट्रेच करा तो वो वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में लौट जाएंगे. ये मसल की खास बात है. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू टू स्ट्रेच विदाउट बींग डैमेज्ड. इट अलाउज द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इवन इफ इट इज ऑलरेडी स्ट्रेच्ड. राइट. नॉर्मली स्मूथ मसल, ये बात ध्यान रखिएगा, शरीर में तीन तरह के मसल्स हैं. सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग जो एक्सपीरियंस करते हैं स्मूथ मसल. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच टाइप ऑफ मसल्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, सबसे ज्यादा खिंचाव किन में होता है, स्मूथ मसल्स में. राइट जी, क्लियर है इतना. ऋषिकेश जी, इज इट क्लियर टू यू. दीपक कह रहे हैं जी मजा आ गया, थैंक यू सो मच जी. किशन पांडे, ध्रुपद, मेघा, रुचि, अतुल, पूजा, मुस्कान, रत्ना, क्लियर है. सिद्धार्थ, कोमल अहलावत, ग्रेट, वंडरफुल जी. जिसे क्लियर होनी चाहिए क्रिस्टल के 500 से ज्यादा लाइक आपने कर दिए. चलिए इसको 550 करते हैं, लेक्चर खत्म होने से पहले मजा आ जाएगा. ओके जी, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी. मसल फाइबर्स में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है. इलास्टिसिटी मतलब एबिलिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू टू रिटर्न टू द ओरिजिनल लेंथ. मान लीजिए एक मसल फाइबर को या मसल को हमने खींचा ऐसे, जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो वापस इलास्टिसिटी है उसमें, वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाते हैं. जब आप रिपीटेडली लोड डाल रहे हैं मसल पे, जैसे जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो मसल साइज में बड़े हो जाते हैं. मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं उसे. वो क्यों बड़े हो जाते हैं? बिकॉज एक एक इंडिविजुअल मसल फाइबर का साइज बड़ा हो जाता है. मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है, अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्म बढ़ जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ जाते हैं, मायोसिन एक्टिन फिलामेंट का नंबर बढ़ जाता है. एनीवन कैन अचीव द मस्कुलर हाइपरट्रॉफी. मस्कुलर हाइपरट्रॉफी जो है कोई भी अचीव कर सकता है, लेकिन जब आप वो एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे, प्रोटीन रिच डाइट लेना छोड़ देंगे, अगेन द मसल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज. तो जब आपने मसल्स बड़े कर लिए हैं तो स्किन जो होती है वो भी खिंचती है उसके ऊपर, है ना. स्किन ने ही तो अकोमोडेट करना है मसल को, स्किन भी खिंचेगी. जब आपने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी, द मसल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज और वो स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स छोड़ जाएगा. जो खिंची हुई स्किन है वो दोबारा छोटी नहीं हो सकती. सो दैट्स व्हाई यू विल सी दैट मेनी ऑफ दीज बॉडी बिल्डर्स हु डू बॉडी बिल्डिंग, they have stretch marks on their body. In fact, every human being on this earth has stretch marks on the body, maybe more or maybe less, and you can never get rid of them. वो कभी खत्म नहीं होते. Pregnancy के time पे females के case में uterus का size जब enlarge करता है तो skin stretch होती है, right? और जब baby deliver out हो जाता है, uterus returns back to its normal size within 45 to 50 days. जो खिंची हुई skin है वो stretch marks छोड़ जाती है और वो कभी भी खत्म नहीं होते. आप उन्हें छुपा सकते हैं, conceal कर सकते हैं, light कर सकते हैं, बट स्ट्रेच मार्क्स एवरी ह्यूमन बींग हैज ऑन इट्स बॉडी. प्यूबर्टी के टाइम पे, सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे, जब हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है, चेंज होता है, मसल्स की ग्रोथ होती है, तब भी स्किन जो है स्ट्रेच होती है. क्लियर है जी इतना. राइट, मस्कुलर स्पैज्म के बारे में आगे हम पढ़ेंगे आप. राइट, ओके, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी क्लियर हुआ आपको, वंडरफुल. चलिए जल्दी से 550 लाइक्स कीजिए, फिर मैं आपको और ब्यूटीफुल सी आगे स्लाइड दिखाने वाला हूं इसमें. वेल, स्केलेटल मसल फाइबर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं वो मायोब्लास्ट सेल से बने होते हैं. जब आप एक मसल फाइबर कहते हैं वो एक सेल को रेफर कर रहा है. व्हेन यू से सिंगल मसल सेल, दैट इज रेफरिंग टू वन मसल फाइबर. पूरे मसल के अंदर सैकड़ों से हजारों मसल फाइबर्स होते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट अ मसल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर्स. एक्चुअल में मसल डेवलप कैसे होता है, ये देखिए, ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है, आपने देख के पहचान लिया होगा. ये कंप्लीट मसल को सेक्शनल व्यू में काट के दिखाया गया आपको. इसके अंदर फेसिकल्स हैं. What are fascicles? Fascicles are the bundles of muscle fibers. Muscle fiber मिलके muscle fascicle बनाते हैं और बहुत सारे muscle fascicle मिल करके complete muscle बनाते हैं. So muscle fiber कह लो या muscle cell कह लो, एक ही बात है. Suppose मेरे हाथ में ये एक pen पकड़ा है, this is one muscle fiber. This is one muscle cell also. Muscle fibers are very long. They can be 30 to 40 centimeters long. अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक muscle fiber, this is another muscle fiber, this is another muscle
मसल फाइबर, मसल फाइबर्स का जो बंडल बन जाता है, दैट बंडल ऑफ मसल फाइबर इज व्हाट इज कॉल्ड मसल फेसिकुलस। ऐसे बहुत सारे मसल फेसिकुलस जब मिल जाते हैं तो वो मसल बना देते हैं। सो बंडल ऑफ मसल फेसिकुलाई इज व्हाट इज मसल। क्लियर हुआ? और मसल फाइबर खुद किससे बने हैं? मसल फाइबर्स जो है वो खुद बने हैं मायोब्लास्ट से। अब एक डायग्राम जल्दी से आप इधर देख लीजिए, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, समय भी खत्म होने वाला है। दिस इज वन बोन, हड्डी के साथ ये एक मसल जुड़ा है और हड्डी और मसल को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेंडन। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था ना, स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन्स। क्लियर है जी? ये एक कंप्लीट मसल। फिर एक मसल के अंदर से हमने मसल फेसिकल अलग करके निकाला। आप थ्री डायमेंशनल में देख रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बाहर निकाला, दैट इज वन मसल फेसिकल। मसल फेसिकल के अंदर हम पहुंच गए और वहां पे ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमें दिखा वो है मसल फाइबर, और वो मसल फाइबर मायोफाइब्रिल से बना है। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चले, मायोफाइब्रिल से मसल फाइबर, मसल फाइबर से मसल फेसिकल, मसल फेसिकल से कंप्लीट मसल, राइट जी? और कंप्लीट मसल की कवरिंग जो होती है, इधर देखिए, तीन अलग अलग लेवल पे हमें कवरिंग देखने को मिलेगी। देर इज एंडोमाइसियम, देर इज पेरीमाइसियम एंड देर इज एपीमाइसियम। दिस इज एपीमाइसियम, राइट जी? दिस कवरिंग, दिस इज पेरीमाइसियम, और जो सबसे अंदर दिखेगी आपको एंडोमाइसियम, शायद वहां पे लेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मसल फाइबर की जो सबसे अंदर वाली कवरिंग होगी बेटा जी, दैट इज एंडोमाइसियम। पेरीऑस्टियम रेफर्स टू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन। क्लियर है जी इतना? राइट, ये दोनों डायग्राम मिलते जुलते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, एपीमाइसियम लेबल्ड है, टेंडन लेबल्ड है, बोन लेबल्ड है, एंडोमाइसियम है, पेरीमाइसियम है। ऑफ कोर्स बीच बीच में ब्लड वेसल्स भी होंगी। बंडल ऑफ मसल फाइबर इज मसल फेसिकल एंड दिस इज वन इज व्हाट इज सिंगल मसल फाइबर, राइट बेटा जी? चलिए, ये भी एक सिंगल मसल फाइबर को और ज्यादा एनलार्ज्ड व्यू में आपके लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में, इस डायग्राम को मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट जी? नाउ इधर देख लीजिए ये वाली चीज भी, मसल बनाने वाले सेल्स जो होते हैं व्हाट आर दे कॉल्ड? मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट सेल्स एम्ब्रियो में होते हैं, बहुत सारे मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज कर जाते हैं और वो मसल फाइबर बनाते हैं। बिकॉज एक मसल फाइबर बहुत सारे सेल्स की फ्यूजन से बना है, इसलिए मसल फाइबर्स जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे हैव मेनी न्यूक्लियाई। बहुत से मसल फाइबर का जो बंडल होता है वो मसल कहलाता है। ठीक है जी, घबराइएगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगा, आपको डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल समझाऊंगा कि किस तरह से स्केलेटल मसल्स बनते हैं। ठीक है मेरे राजा बेटा, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, फंडा आपको एकदम क्लियर हुआ है। कनीज फातिमा लिख रही हैं कि माशाल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। बिल्कुल जी, आप सबको भी सलामत रखे और आप सबको सद्बुद्धि दे और आप अपने मकसद में कामयाब हों। राइट, चलिए आप जल्दी से पीछे देख लीजिए, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले हफ्तों में आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन हम प्रोग्राम्स लेकर के आ रहे हैं। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचने चाहिए। एंड एज फार एज द पीडीएफ नोट्स आर कंसर्न्ड, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, विद्या बांटने से बढ़ती है। और हैशटैग नीट लाइव के साथ आप जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पे इस चीज को जरूर शेयर कीजिए। आपके छोटे भाई बहन जो हैं उन्हें आप हमारे फाउंडेशन चैनल के लिए जरूर सजेस्ट कीजिएगा। एंड अगर कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है सो मोस्ट वेलकम जी, हमारा सिस्टर चैनल है दैट इज जेईई, राइट जी? चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, विद्या का दान करते रहिए।